गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू बुक ड्यूड्रॉप्स टर्म टू सेकेंड टर्म की बुक लेनी है. नाउ टेक आउट पेज नंबर 18 इंग्लिश लेसन नंबर 2 द ग्रास ओपर एंड द एंट. सो हम ये स्टोरी रीड करेंगे. टेक आउट पेज नंबर 18 इट्स ऑन पेज नंबर 18 पे. नाउ लेट्स रीड द लेसन. वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास होपर. सो एक बार किसी जगह पे एक लेजी आलसी ग्रास होपर रहता है. ही डिडंट लाइक टू वर्क. उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता. ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वॉर्म सनशाइन. सो सारा दिन वो गाने गाता है या फिर अच्छी गर्माहट में खेलता रहता है. ही लुक एट मी आई एम एज हैप्पी एज आई कैन बी. अब वो हंसते हुए बोलता है देखो मेरी तरफ मैं इतना खुश हूँ जितना मैं हो सकता हूँ. द ग्रास होपर लाफ्ड एट द एंड्स एज दे वर्क डे एंड नाइट. सो वो ये बात किनको कहते हैं एंड्स को हंसते हुए बोलता है क्योंकि एंड्स जो होती है वो सारा दिन और रात काम करती हैं. तो उनका मजाक उड़ाते हुए उनको उनके ऊपर हंसते हुए वो कहता है देखो मेरी तरफ मैं कितना खुश हूँ. वी आर स्टोरिंग फूड फॉर द लॉन्ग विंटर्स दैट इज गोइंग टू कम. सो एंड्स उसको कहती हैं कि हम हमारे खाना स्टोर करने में लगी हुई हैं क्योंकि लंबी सर्दियाँ आ जाएगी इसलिए उससे पहले ही हम हमारा खाना स्टोर कर लेते हैं. दे रिप्लाइड जवाब देती हैं वो. द लेजी ग्रास ओपर ओनली लाफ्ड लाउडर. और वो उनकी बात सुनकर और भी जोर से हंसता है. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर्स राउ. गर्मियाँ खत्म हो जाती है और ठंडी सर्दियाँ आ जाती है. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग ठंडी हवाएं चलती है एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग और बर्फ पड़ने लग जाती है. द ग्रास होपर नाउ बिगैन टू वरी. अब ग्रास होपर जो होता है उसको चिंता होने लग जाती है. देयर इज नो फूड टू ईट नो ग्रास नो फ्लावर्स और लीव्स. अब उसके पास ना तो खाना होता है ना कहीं घास नजर आती है ना फूल नजर आते हैं ना कोई पत्तियां नजर आती है. आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म. अब वो कहता है कि मुझे तो अब ना तो कोई छोटा मोटा कोई जानवर या कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी उड़ने वाला इंसेक्ट कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. वॉट विल आई डू. अब कहता है अब मैं क्या करूँ. ही क्राइड रोते हुए बोलता है लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट. अब वो सोचता है कि मुझे अपने नेबर मतलब अपने पड़ोसी जो एंट हैं उनसे मिलता हूँ. नेक्स्ट पेज पेज 19 द ग्रास हॉपर रिमेंबर्ड हाउ द एंट हैड स्टोर्ड अवे फूड फॉर द विंटर. अब उसे याद आता है ग्रास हॉपर को कि किस तरह से एंट जो चीटियाँ थी वो अपना खाना स्टोर कर रही थी विंटर्स ठंड के लिए. ही नॉक्ड एट हर डोर. तो वो उसके घर के दरवाज़ा खटखटाता है. डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड. अब वो कहता है डियर एंट प्यारी चींटी मैं बहुत भूखा हूँ मुझे बहुत ठंड भी लग रही है. आई हैव नथिंग टू ईट मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है. प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड. क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो. द एंट शूक इन एंगर लेजी वन. अब चींटी को गुस्सा आता है और चिल्लाती है कि लेजी वन आलसी इंसान आलसी व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर. तुमने पूरी गर्मियों क्या किया. यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिस. सारी गर्मियों तो तुम नाचते और गाते रहे. यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स दैट वर गोइंग टू कम. तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि इतनी ठंड की सर्दियाँ आएगी आने वाली है उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था. गो अवे शी शट हर डोर. उसको बोलती है कि जाओ यहाँ से और अपना दरवाज़ा बंद कर देती है. द लेजी ग्रास ओपर वॉज हंग्री एंड सैड. अब जो आलसी ग्रास ओपर होता है वो बहुत ही भूखा होता है और उदास हो जाता है. हाउ एवर लेट मी शेयर अ सीक्रेट विद यू. अब एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ. द एंड फेल्ट दैट शी हैड बीन वेरी हार्श विद द ग्रास ओपर. अब जो एंट होती है उसे लगता है कि वो ग्रास ओपर से बहुत हार्शली बिहेव करती है बहुत बुरा व्यवहार करती है बहुत सख्त व्यवहार करती है. सो आफ्टर सम टाइम शी कॉल्ड हिम इन एंड गेव हिम सम फूड. सो उसे बुरा लगता है कि उसने उसे मना किया तो वो थोड़ी देर बाद उसको बुलाती है और उसको थोड़ा खाना दे देती है. द ग्रास ओपर देन प्रोमिस टू वर्क हार्ड एंड नेवर बी लेजी. तो ग्रास ओपर भी बदले में उसे प्रोमिस करता है कि वो कभी भी आलस नहीं करेगा और हार्ड वर्क करेगा आलस छोड़ देगा. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज.
वॉट वॉज द वेदर लाइक ड्यूरिंग द विंटर. सो विंटर्स में वेदर मौसम कैसा होता है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं कहीं पर स्नोइंग होती है, बर्फ़ पड़ती है. सो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, मौसम बहुत ठंडा होता है. टेक द करेक्ट आंसर इन ईच. वॉट डिड द ग्रास हॉपर डू इन समर. सो ग्रास हॉपर समर्स में क्या करता है, सैंग सॉन्ग एंड प्लेड. सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, गाने गाता और खेलता है. द एंट स्टोर्ड फूड फॉर द कोल्ड विंटर्स. तो ठंडी सर्दियाँ जो आती हैं उनके लिए वो अपना खाना स्टोर करती है. नेक्स्ट पेज, टर्न पेज 20. आपको ये लेट वर्ड सेंटेंसेस दिए हैं, उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कि जो किस तरह से स्टोरी में हुए. द ग्रास ओपर वेंट टू द एंट फॉर फूड. द ग्रास ओपर वॉज हंग्री एंड सैड. द एंट्स वर्क डे एंड नाइट. द एंट बिकेम एंग्री बट गेव ग्रास ओपर सम फूड. द ग्रास ओपर मेड फन ऑफ द एंट्स. देयर वॉज नो फूड फॉर द ग्रास ओपर ऑल डे लॉन्ग. द ग्रास ओपर सैंग सॉन्ग एंड प्लेड. कोल्ड विंटर अराइव्ड एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. सो सारा दिन क्या होता है, सबसे पहले आता है जो ग्रास ओपर होता है, वो सारा दिन गाने गाता है और खेलता है. लेकिन जो एंट्स होती हैं वो सारा दिन काम करती हैं टू कलेक्ट फूड. सेकेंड वन इज दिस. सो इस पे जो ग्रास ओपर होता है मेड फन ऑफ द एंट्स, इस पे वो उन पे हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है. फिर उसके बाद कोल्ड विंटर्स अराइव्ड एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. फिर ठंडी आती है और बर्फ़ पड़ने लग जाती है. सो देयर वॉज नो फूड फॉर ग्रास ओपर. फिर ग्रास ओपर के बाद पास कुछ भी खाना नहीं होता है. द ग्रास ओपर वेंट टू द एंड फॉर फूड. तो वो अपने चीटी के पास जाता है खाना मांगने के लिए. फिर द ग्रास ओपर वॉज हंग्री एंड सैड. क्योंकि वो फिर वो मना कर देती है. फिर वो कहती है कि ग्रास ओपर सैड हो जाता है. और फिर उसके बाद द एंट बिकेम एंग्री एंड बट गेव द ग्रास ओपर सम फूड. ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है इसमें. पहले वो गुस्सा होती है, फिर बाद में ग्रास ओपर सैड होता है, और फिर उसके बाद उसको खाना देती है. रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डिड द ग्रास ओपर रिएक्ट वेन ही वॉज द एंट्स वर्किंग हार्ड थ्रू आउट द डे. तो ग्रास ओपर कैसे रिएक्ट करता है जब वो एंट्स को काम करते हुए देखता है. ही लाफ्ड एट देम. वो उसके ऊपर हंसता है और कहता है कि देखो मैं तो कितना खुश हूँ. वाई वॉज द ग्रास ओपर वरीड ड्यूरिंग द विंटर. तो विंटर्स में उसे क्यों चिंता होती है, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है. लेजी वन, वट वर यू डूइंग ऑल समर. हु सेड दिस टू हुम. तो ये बातें किससे कहते हैं, एंट कहती है ग्रास ओपर को कि तुम कितने आलसी थे, तुमने पूरी गर्मियों क्या किया. वाई वॉज द एंट एंग्री वेन द ग्रास ओपर आस्क फॉर फूड. तो चीटी को गुस्सा क्यों आता है जब ग्रास ओपर उससे खाना मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने वो पूरी गर्मियाँ ऐसे ही खेलते हुए गाते हुए बिता दी और अपना समय बर्बाद कर दिया, ऐसे ही खाना कलेक्ट नहीं किया. हाउ डिड द एंट्स सेव फूड फॉर विंटर्स. तो एंट्स कैसे अपना खाना विंटर्स के लिए बचाती है, वो पूरी गर्मियाँ दिन रात हार्डवर्क करती हैं और अपना खाना स्टोर करके रखती हैं, जिसे वो विंटर्स में यूज़ करती है. सो व्हाट डू यू थिंक ग्रास ओपर ईट. तो आपको क्या लगता है ग्रास ओपर क्या खाता होगा. वो पत्ते खाता है और क्या क्या खाता है उसके बारे में सोचना है. आपको इस एक्सरसाइज की आंसर शीट भेज दी जाएगी. आपको ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करने हैं और इस लेसन को रीड करना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. बाय चिल्ड्रन.